हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज कुछ बहुत ही अमेजिंग सा व्लॉग होने वाला है, क्योंकि एक नया अपडेट, एक नई चीज़ अपनी ज़िंदगी में आई है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा और आपको कैप्शन से भी पता चल जाएगा। आज उसी चीज़ को जो है हम मैं बताऊंगा, उस चीज़ मॉडिफिकेशंस या जो भी चीज़ें हुई है वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो दिखाते हैं कि क्या चीज़ है वो। एक चीज़ तो ये घड़ी है, ये तो जान है, अपनी जान देख सकते हैं। थोड़ी बहुत इसमें भी मॉडिफिकेशन मैंने कराई थी अभी, पर जो रूफ है, छत है इसका, वो पूरा मैं ब्लैक कराऊंगा। अभी मैं रिस्ट माउंट यूज़ कर रहा हूँ, रिस्ट माउंट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये रहा मेरा हेड माउंट, अभी ये यूज़ करूँगा मैं। और वो चीज़ लगभग मेरे पास आ गई है, मैं पहुँच गया वहाँ। और टाटा रहा ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो इस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था कि ये चीज़ जो है नहीं आई है अपने पास। मॉडिफिकेशंस इसमें बेसिक मॉडिफिकेशंस आगे हुई हुई है, और थोड़ी मॉडिफिकेशंस अभी कराएंगे, आहिस्ता आहिस्ता कराते रहेंगे कुछ ना। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें हो रखी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे अपने ब्लॉग में। टायर की प्रोफाइल जैसे मैंने आपको बताई कि बहुत बड़ी है, और बहुत बढ़िया है ऑफ रोडिंग के लिए बेसिकली। बट अभी तो हम ऑफ रोडिंग करने नहीं वाले, जब भी करेंगे तो ज़रूर आपको दिखाएंगे इस टायर की परफॉर्मेंस या इस गाड़ी की परफॉर्मेंस। बहुत सी बेसिक सी मॉडिफिकेशंस इसमें हुई हुई है, जैसे हेडलाइट्स इसकी चेंज है, आपको दिख रही होगी, ग्रिल चेंज है इसकी, और बाकी अंदर ऑडियो सेटअप चेंज कराया हमने कल, वो उसमें बेस ट्यूब वगैरह JBL की वो लगवाई। बाकी आपको ले चलते हैं अपने ब्लॉग के साथ, दिखाते हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या परफॉर्मेंस इस गाड़ी की। और अभी मैंने हेड माउंट लगा दिया है। ओह माय गॉड, मेरी ये पहली राइड है इस गाड़ी की तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये मैं जिसकी बात कर रहा था कल, ये बेस ट्यूब डलाई थी, और पाइनियर का इसमें सेटअप लगा हुआ है आगे। और अंदर से गाड़ी यार काफ़ी खुली है, मतलब से। तो ये चल पड़ी हमारी थार, जय शिव शंभू भाई। लेकिन थार चलाने का जो मज़ा आया ना, वो थार चलाने का ही है, जो फील जो इसमें बैठ के आ रहा है ना। हाँ 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 हाँ, और ये मेरे फैंस जो बात अभी आपसे कर रहा था कि सबसे ज़्यादा खुंदक मेरे को पता कब चढ़ती है, जब आपको ये कैमरा एंगल सेट करके, शायद ये हर एक व्लॉगर यूट्यूबर हर एक बंदे के साथ होता होगा कि जब आप कैमरा सेट करके लगाओ कहीं, और उसके बाद आप देखो कि आपके कैमरे का एंगल जो है वो गलत है, वो गलत सेट हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक हैचबैक, जैसे मैं हैचबैक चलाता हूँ पोलो, तो उससे आप जब ऐसी गाड़ी में बैठो तो आपको एक बड़ा खुला खुला सा फील होता है, जो मेरे को अभी हो रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल ज़मीन से ऐसे चिपक के चलती है, और ये ज़मीन से बिल्कुल ऊपर, दोनों बिल्कुल अलग, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं। तो एक बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का। और मैंने कनेक्ट कर दिया है अभी इसको अपने म्यूज़िक सिस्टम को फोन के साथ। ओह माय गॉड, अभी वॉल्यूम जो है 13 पे, जैसे आप देख सकते हो। मेरे ख्याल से बेस ऑफ है,
शायद शायद नहीं है क्योंकि बेस नहीं चल रही ब्रो। नहीं चलती है, चलती है चल रही है, चल रही है गाइस, चल रही है गाइस। और अभी मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गया हूं, तो उससे मेरे को मिलने जाना है, थोड़ी देर में मिलके वापस आता हूं। अभी निकल रहा हूं मैं घर की तरफ और रास्ते में हूं और ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है इस गाड़ी का अच्छा है बहुत। और ये गलत जगह पे गाड़ी पार्क कर दी है बंदे ने, तो निकालने की कोशिश निकालने की निकल जाएगी वैसे, बट बहुत ही कंजेस्टेड है। थार का एक मज़ा है यार, मतलब आप लोगों को सोचना नहीं पड़ता कि यार यहाँ से गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी, या ठुक नहीं जाए गाड़ी कहीं, कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। थार का एक ये बहुत मज़े, आप कहीं भी घुसा दो भाई, कहीं भी घुसा दो वहाँ से निकलेगी। ड्राइविंग एक्सपीरियंस जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, अच्छा है इसका गाड़ी का यार, मतलब ठीक है। 4x4 के हिसाब से जितनी कंफर्टेबल होनी चाहिए उतनी कंफर्टेबल ये गाड़ी है। और बहुत सारे मिथ, बहुत सारी चीज़ें जो है इस गाड़ी को लेके है कि कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है ऐसा वैसा, बट ठीक है यार, आपको हर एक चीज़ मतलब एक फुल पैक जो कहते हैं ना, वो हर एक गाड़ी में या हर एक उसमें नहीं मिल सकता आपको। तो हर एक गाड़ी का एक अलग पहचान, एक अलग एक चीज़ होती है, तो शायद ही इसकी है। तो बाकी ओवरऑल यार सेट है गाड़ी, मज़े आ रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं। तेरा थार वाला यार अभी गेड़ी मारेंगे अपने, और कुछ तो है नहीं अपने पास घूमने को, बहू प्लाजा है, बहू प्लाजा गेड़ी मारेंगे और गांधीनगर वगैरह घूमेंगे, आपको घुमाएंगे अपने साथ, मज़ा आएगा। एक छोटी सी ड्राइव थी ये, पर बहुत ही मज़ा आया उसमें भी। तो अगर अच्छा लगा व्लॉग तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और भाई को सपोर्ट करें ताकि और अच्छे अच्छे व्लॉग में लेके आऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू एंजॉय द ब्लॉग, होप आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई हो इस गाड़ी के रिलेटेड। अगर आप कंफ्यूज हैं खरीदने क्या सोच रहे हैं या कुछ भी है, तो आप शायद क्लियर हो जाएंगे थोड़ा इससे। बाकी और थोड़ी बहुत डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूँगा चीज़ें। और एक चूटा हमारा यहाँ पर होता है ख़त्म, जो हमारी ड्राइव है यहाँ पर होती है ख़त्म। पहुंच चुके हैं हम अपने घर वापस। ये रही मेरे घर की गेट की पार्किंग, गेट के बाहर की पार्किंग, और मज़ा आया यार। हाँ ये गाड़ी, जैसे मैं कंफर्ट की बात कर रहा था, तो ये गाड़ी जब आप तेज़ चलाते हो तो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, बट ठीक है, मतलब इतना कुछ है नहीं कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे, ऐसा कुछ सही है, सब बहुत अच्छी है। और ये रही पीछे अपनी रानी, आज जो है घर वालों ने कुछ ये कनक हमारे इधर कहते हैं इसको, ये सुखाने लगाई है, गेहूं सुखाने लगाया धूप में, धूप लगवा रहे हैं इसको। और बस पहुंच चुके हैं घर, और जैसे कि मैंने आपको बोला, इस व्लॉग को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूले, सपोर्ट करते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।